खुदावंद यसुमसी के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वीवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसुम इमानुएल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविजन प्रोग्राम हमारे सितारे में। आज हम आपको जिस सितारे से मिलवाने लाए हैं, हम उनसे मिलकर हमें भी बहुत खुशी हुई और उम्मीद है कि आपको भी बहुत खुशी होगी। आज हम मिलेंगे जनाब ज़फ़र इकबाल साहब से, जो जनरल सेक्रेटरी हैं कराची डायसिस की चर्च ऑफ पाकिस्तान से। सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, आपके व्यूअर्स का, कि आपने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू। हमारी खुशबख्ती है सर, क्योंकि लोग आपसे भी मिलना चाहते हैं और हम भी चाहते थे कि आपसे लोगों को मिलवाया जाए। और बहुत सारे सवालात हैं जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के बारे में, कराची डायसिस के बारे में और स्पेशली जनरल सेक्रेटरी की जो ओहदा है उसके ज़िम्मे में जो जो चीज़ें आती हैं उनके बारे में पूछी जा सके, उनके बारे में बात की जा सके। तो वी वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। सो आपका बहुत शुक्रिया। और आज खुदा ने हमें ये मौका मुहैया किया है कि आज हम इन सारी बातों को जान सकें। और सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और इससे पहले कि हम कुछ ऑफिशियल बात करें, हम चाहेंगे कि हम कुछ आपसे ज़ाती बातचीत करते हुए बातचीत का और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जाए पैदाइश कहाँ है, से है कि आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ से आए, क्या एजुकेशन है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मेरी पैदाइश मुल्तान के नज़दीक एक शहर है खानेवाल, वहाँ पर हुई और मेरी इब्तदाई तालीम भी खानेवाल से ही है। मैंने मैट्रिक खानेवाल से किया, उसके बाद 89 में मैं माइग्रेट करके कराची आया। ऑल्दो के मेरे पेरेंट्स काफ़ी अरसा से कराची में ही थे, मैं अपने दादा दादी के पास वहाँ पढ़ता था और मैट्रिक के बाद मैं कराची शिफ्ट हुआ। जी सही। और फिर मैट्रिक के बाद आपने अपनी तालीम, मैट्रिक के बाद यहाँ पर कॉलेज ज्वाइन किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स कराची यूनिवर्सिटी से किया, फिर मैंने एमफिल किया। स्पेशल एजुकेशन में एक फील्ड है ऑटिज़म, उसमें मैंने एमफिल किया, पीएचडी का थीसिस लिख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डायसिस की जिम्मेदारियों की वजह से मैं पीएचडी नहीं कर सका। लेकिन खुदा ने अगर मौका दिया तो किसी वक्त भी, क्योंकि मेरा जो लीगल आर्ट्स होते हैं वो कंप्लीट हैं, मेरा थीसिस कंप्लीट है, बस सबमिट करवाना है, अगर खुदा ने मौका दिया तो ज़रूर करवाएंगे। तो सर, हमारी दुआ है कि आप जल्द अज जल्द अपना जो अपना पीएचडी है उसको कंप्लीट करें, ताकि आपका नाम पीएचडी लोगों में शामिल हो जाए और हमारी कौम के लिए एक खुशबख्ती की बात हो। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह अभी आपने कहा कि आपने पीएचडी किया, तो पीएचडी करने वाले हैं, तो अभी हमारी दुआएं तो आपके साथ हैं और हम ये भी चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटी सी बात में ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि आप कौन से मज़मून में पीएचडी कर रहे हैं, और आप लोगों को सजेस्ट क्या करते हैं कि आजकल बच्चे जो हैं वो किन मज़ामीन में पीएचडी करें। देखिए, मैं जब कराची शिफ्ट हुआ तो ये टाइम था 1989 का, तो मैं यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त थे जो दारुल खुशनूद में जॉब करते थे, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आपके पास टाइम है, जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं होता था, आप वॉलंटियर यहाँ पर काम करें। तो मैं वॉलंटियर काम कर रहा था और उस वक्त की मैडम थी, मैडम नैन्सी सालिक साहबा, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि नहीं, आप हमारे साथ काम करें। तो मैं कॉलेज के बाद कुछ आर्ट्स होते थे जो मैं उनके साथ काम करता रहा 1989 से। फिर मैंने 92 में चाहा कि मैं छोड़ दूं और अपने एजुकेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दूं, लेकिन उस टाइम तक मैडम बी के दास जो यहाँ आ चुकी थी और उन्होंने मुझे पुश किया कि नहीं, आपको चर्च की खिदमत करनी चाहिए या रहना चाहिए, और फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपको इसी फील्ड में स्पेशलाइज़ करना चाहिए जिस फील्ड में मैं काम कर रहा था, यानी स्पेशल बच्चों के साथ। तो मैंने एज स्पेशल एजुकेटर मास्टर्स किया और स्पेशलाइज किया मेंटल रिटार्डेशन में कराची यूनिवर्सिटी से। उसके बाद एमफिल भी ज़ाहिर इसी फील्ड में किया और पीएचडी की तैयारी, जैसे मैंने बताया कि हो चुकी थी लेकिन नहीं कंप्लीट हो सकी। आजकल के बच्चों को किस तरफ जाना चाहिए, मेरा ख्याल आज हमारा तो मेरा मोटिवेशन तो इन बच्चों के साथ था, अब भी है, और खुदावंद ने चाहा तो जब तक हूँ मैं इनकी खिदमत करता रहूँगा। लेकिन अभी बहुत सारी फील्ड्स हैं, आई मीन बिजनेस रिलेटेड, फिर प्रोफेशनल्स हैं, तो वो उनकी अपनी चॉइसेस हैं आजकल के बच्चे, चैलेंजेस के लिहाज से, और बच्चे खुद भी बहुत
आई मीन आजकल के एडवांस हैं, जानते हैं कि किस फील्ड में जाना है, कहाँ तरक्की है, तो करना चाहिए बिल्कुल। और जिस साइड पर उनका रुझान है या जो जो उनको चीज़ें अपीलिंग लगती हैं, आप ज़रूर उनमें पीएचडी कीजिए। और हमारी बी द लाइट टेलीविज़न की भी इनकरेजमेंट आपके साथ है। अच्छा ये बताइए जफ़र साहब कि आपने कहा कि आप अभी एजुकेशन कंप्लीट कर ही रहे थे तो आपकी जो डायसिस की जिम्मेदारियाँ शुरू हो गई, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने किस उम्र में या किस सन से ये ज़्यादा मुनासिब है कि किस सन से आपने डायसिस को सर्व किया? 1989 और किस ओहदे से आपने शुरू किया? एज टीचर दालुखु शुरू में एज टीचर, फिर आफ्टर मिस बी के दास मुझे प्रिंसिपल बनाया गया। ये बात है 1997 की, मैं प्रिंसिपल बना। उसके बाद 2005 में मैं डायसिसन सेक्रेटरी बना। तो डायसन सेक्रेटरी 2005, तो आप अंदाज़ा करते हैं 17 साल डायसन सेक्रेटरी, और वैसे डायसिस के साथ काम करते हुए ऑलमोस्ट 32-33 साल हो चुके हैं। ग्रेट, 32-33 साल में आपने डायसिस को सर्व किया है और अपनी कॉम को इतने अच्छे तरीके से सर्व किया है। अब तो हमारा हक बनता है ये सवाल पूछना कि 32 साल अगर एक इंसान ने सर्व किया तो वो जब पीछे मुड़कर देखता है कि 32 साल पहले जो मेरे ख्वाब थे कि मैं चर्च के लिए, कलीसिया के लिए ये काम करूं, अपने लोगों के लिए ये काम करूं, क्या आप उसमें अपना हिस्सा कुछ डाल पाए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा बिल्कुल ये ख्वाब नहीं था कि मैं चर्च के लिए काम करूं। मैं तो अपने दोस्तों को कहने के लिए दालखुशों में आया। यहाँ जो मेरी जो मोटिवेशन, मेरा मोटिवेशन जो जिस पर्सनैलिटी ने बढ़ाया इस तरफ, उनका नाम मिस बी के दास था, इंतकाल कर चुकी हैं, और वो उन्होंने बहुत मुझे इनक्रेज किया और उन्होंने कहा कि आप कहीं भी जॉब करेंगे, कहीं भी जाएंगे तो पैसे तो ज़रूर कमा लेंगे, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको इन बच्चों की खिदमत करके, चर्च की खिदमत करके जो मिलेगी वो उन पैसों से कहीं बड़ी होगी। तो आखिरकार मैं कन्विंस्ड हुआ उनसे और मैंने सोचा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी बैरून मुल्क काम करने की, एज प्रोफेशनल, एज स्पेशल एजुकेटर्स, यूएस में भी और मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन इवन गवर्नमेंट में मुझे मौके थे, लेकिन मैं नहीं गया। और मैं इसलिए चर्च के साथ हूँ कि इन बच्चों की खिदमत कर सकता हूँ, चर्च की खिदमत कर सकता हूँ, और शायद अपने लोगों को जो खिदमत करके जो सेटिस्फेक्शन है वो शायद मुझे बाहर जॉब करके ना मिलती। ठीक है, तो जफर साहब अभी आपने कहा कि आपने इट वाज नॉट योर प्लान कि आप चर्च को सर्व करेंगे या ये एक एक्सीडेंटली आप इस फील्ड में आए और फिर आपका दिल इसमें बढ़ता गया और सेटिस्फेक्शन बढ़ती गई, लेकिन आपने बचपन में जो बच्चे प्लान करते हैं कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, वो व्हाट वाज दैट ड्रीम? एक्चुअली मैं फोर्स में जाना चाहता था और मैंने ट्राई भी किया, लेकिन आर्मी में, नेवी में, नहीं, पुलिस, पुलिस, और मैंने ट्राई भी किया, लेकिन जिन पर्सनालिटी का मैं नाम ले रहा हूँ, मिस बी के दास, जब मैं इंटरव्यू दे के आया तो वो उन्होंने एक घर मेरे किसी को भेजा और मुझे कहा मैं मेरे पास आए, तो जब मैं उनके पास आया तो उन्होंने कहा आपने इंटरव्यू दिया है, और मैं सारी रात दुआ करती रही कि खुदावंद इनको इंटरव्यू में कामयाब ना करना। और मेरे लिए बड़ा धचका था, लेकिन चूंकि मैं, मेरी वो आइडियल पर्सनैलिटी थी, मैंने पूछा सिस्टर आप ये ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि खुदामंद आपको चर्च में बुला रहा है तो इसलिए। और मैं सब कुछ अच्छा, फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, सब कुछ बेहतरीन था और मेरा नाम नहीं आया था, तो मैंने इसी बुलाहट को समझा कि शायद ये ही बेहतर बुलाहट है जो सिस्टर कह रही हैं, सिस्टर बी के दास, और उसके बाद मैंने यहाँ चुना और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। चर्च की खिदमत करनी है, इन बच्चों की खिदमत करनी है, फिर मैं किसी तरफ भी नहीं गया। तो आप उस वक्त सिस्टर बी के दास से नाराज़ नहीं हुए, उनसे कुछ आपने खफगी में कहा? नहीं, मैं, वो मेरी आइडियल पर्सनैलिटी थी, परफेक्ट, नहीं, थोड़ा नाराज़गी थी कि आप क्यों ऐसा कह रही हैं, लेकिन एहतजाज नहीं था। मैं सोचता था कि वो मेरे साथ सिंसेयर हैं और वो मुझे अच्छा मशवरा देंगी, और वो मशवरा अच्छा था। और आज आप उससे सेटिस्फाइड हैं? जी, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मैंने चर्च में खिदमत की है, मैंने डायसिस में खिदमत की है, कर रहा हूँ, और उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है अपनी, हो सकता है बहुत सारे पैसे ना मिलते हों, लेकिन आपकी जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो
ज़फ़र साहब, अभी आपने पैसों की बात की तो ये भी एक ज़रूरी सवाल है, पैसों के बारे में भी पूछना चाहिए कि जितने पैसे आपको मिलते हैं क्या वो एक नॉर्मल पर्सन का जो घर है वो चलाने के लिए काफ़ी होते हैं? या मेरे ख्याल चर्चेस में जो चर्च के साथ काम करते हैं उनकी सैलरीज इतनी नहीं होती कि जो बहुत सारी चीज़ों को आप मीट कर सकें आसानी से, लेकिन इतनी होती हैं कि आप अपनी अगर चादर में रहते हुए जीना सीखें तो आप जी सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी खुदावंद ही हर लिहाज से ज़िम्मेदार है, और जिस तरह से हम देखते हैं कोई भी किसी भी पोजीशन में हो तो वो यही कहता है कि यार मेरी ज़रूरतें तो पूरी नहीं होती और एवरीबडी हैज़ टू डू सम मोर। अच्छा ये बताइए कि अभी क्योंकि आप डायसिस के इतने बड़े ओहदे पर फायज हैं और जहाँ तक हम देखते हैं कराची डायसिस को, तो आपने दो बिशप साहबान के साथ तो तकरीबन आप काम कर, एक के साथ बहुत लंबा अरसा काम किया, अब दूसरी लीडरशिप के साथ आप हैं और जो सिचुएशन है वो आहिस्ता आहिस्ता चलती भी रहेगी, उसमें चेंजेस भी आते रहेंगे। मेरा ये आपसे सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि जो जनरल सेक्रेटरी है, पहले तो आप ये बताइए कि जो जनरल सेक्रेटरी है उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, उसके अख्तियारात क्या होते हैं, वो चर्च के लिए कितना काम कर सकता है? देखिए चर्च पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बिशप जो होते हैं वो हेड होते हैं, तमाम इदारों के हेड होते हैं, तमाम चर्चेज सब वो हेड होते हैं हर एक तरह से, लेकिन उनके बाद जो मैनेजमेंट के मामलात होते हैं वो डायसेंस सेक्रेटरी देखते हैं, और अगर अच्छे रिलेशन हैं तो डायसेंस सेक्रेटरी देखते हैं और देखता रहा हूँ मैं, लेकिन अगर किसी तरह से आपके रिलेशनशिप में कोई फ़र्क है, दरार है, तो फिर डायसेंस सेक्रेटरी भी कुछ नहीं करता, उसको एक कमरे में आप बैठा दें कुर्सी दे के, दैट्स ऑल, उनके पास टाइटल है लेकिन कर कुछ नहीं सकते। अच्छा हाँ, तो ऐसा भी होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक डायसेंस सेक्रेटरी की जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं, मैनेजमेंट में हर तरह से बिशप साहब को असिस्ट करना उनकी पहली जिम्मेदारी है, इवन कॉरेस्पॉन्डेंस करना डायसेंस सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, किसी तरह से कोई लीगल मामला आते हैं उसमें चर्च को असिस्ट करना डायसेंस सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, तो बहुत सारी जिम्मेदारी है डायसेंस सेक्रेटरी की। मैं समझता हूँ किसी भी तंजीम में एक सेक्रेटरी की जो जिम्मेदारी होती है वो रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, इसी तरह चर्च में भी है। सही, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि चर्च के बिशप्स तो शायद लीडरशिप तो आती जाती रहती है, लेकिन जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं वो उसकी खसूस जिम्मेदारी काफ़ी देर तक, जैसे आपने दो बिशप साहिबान के साथ वक्त गुजारा, आपकी एक जो एक तजर्बा होता है वो इन्हांस होता है, आपका एक्सपीरियंस है और आप उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से अमल दरअमल उन सारी चीज़ों पर कर सकते हैं अगर मौका मिले तो। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन डायसेंस सेक्रेटरी भी आते जाते रहते हैं, जिस तरह बिशप सामान की आपने बात की, आते जाते रहते हैं, इस तरह डायसेंस है। हमारा बिल्कुल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम हर 3 साल के बाद इलेक्शन करवाते हैं। अच्छा। हमारी डायसेंस काउंसिल होती है, उसमें 3 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, वाइस चेयरमैन, डायसेंस सेक्रेटरी और खजानची चुने जाते हैं इलेक्शन के थ्रू। अब ये एक फ़र्क बात है कि 2005 से लेके अब तक मैं अनपोस्ट आया, और चूँकि एक वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर था सब लोगों के साथ, तो और कुछ हालात भी इस तरह थे चर्च के, बहुत सारे मुकदमात थे चर्च पर, बिशप साहब पर, चर्च पर, जिनको फेस करने के लिए एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो इदारे को जानता हो, थोड़ा लॉ को जानता हो, अपने ग्राउंड में मूव कर सके, अपने लोगों के पास जा सके, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं मैंने ये जिम्मेदारी पूरी की है, तो मेरी जिम्मेदारी भी थी और चर्च की ज़रूरत भी थी कि इस तरीके से कि ऐसे शख्स को रखा जाए लंबे पीरियड के लिए जो इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में चर्च की मदद कर सके। ठीक है, तो ज़फ़र साहब एक सवाल और पैदा होता है इस बीच में कि वो जैसे आपने कहा ये कौन डिसाइड कर रहा था कि इस शख्स को बीच में होना चाहिए, यानी आपने कहा कि लोग आते जाते रहते हैं, उनके भी इलेक्शंस होते हैं, हु वाज डिसाइडिंग कि होने चाहिए इलेक्शंस कि नहीं होने चाहिए, या ये कोई रिश्वत थी या ज़रूरत थी, ये कौन डिसाइड आप ठीक कर रहा था? ठीक कह रही है, देखिए डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा बिशप होता है। ओके बल्कि कहीं भी कुछ कहें कि जी फलाने कर रहा था फलाने, जहाँ बिशप चाहता है जैसे बिशप चाहता होता है, अमूमन होता है। अब कई जगहों पर ऐसा है कि ओपोनेंट ग्रुप्स भी स्ट्रांग होते हैं, खड़े हो जाते हैं, लेकिन मेरे केस में ये हुआ कि बिशप सादिक साहब और मेरा वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा था और हम एक साथ काम करते रहे, और जो हर 3 साल बाद इलेक्शन तो होते थे,
ठीक है, लेकिन मैं अनअपोज्ड डायरेक्शन सेक्रेटरी बन जाता था। मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्शन नहीं हुए, हर तीन साल बाद इलेक्शन होते रहे, मैं अनअपोज्ड आता रहा। और जो जैसे मैं कह रहा था, ये वक्त की ज़रूरत भी थी। हमारे एक केस हमारे पर था और वो 14 साल तक चला, 18 लोगों पर केस था, तो 14 साल तक, अब 14 साल तक 18 लोगों को मैनेज करना, उनको उनका ख्याल रखना, उनकी लॉजिस्टिक्स ज़रूरतें हैं जो उनको पूरा करना, तो ये बड़ा मुश्किल टास्क है। मतलब कहने को तो बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। कोई ऐसा शख्स चाहिए जिसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबके साथ हो, जो सबको ले कर चल सकता हो। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि वो हमारे एक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड केस था, सारे लोग अपने थे, जो केस करने वाले लोग थे वो भी अपने थे, जो जो विक्टिम हुए थे वो भी अपने थे, हर तरह से। तो हर एक के साथ कोऑर्डिनेशन ऐसा रखना चाहिए था, अच्छा रखना चाहिए था। हमने बेशुमार मैंने कोशिश की कि केस ना हो, सुलह हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी। 14 साल तक वो कोर्ट में केस रहा और उस दौरान खैर मैंने काफ़ी मुश्किल और मतलब दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहिए बड़ा मुश्किल काम किया, बहुत मुश्किल तरीके से। सही। व्यूवर्स, आप इस वक्त देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न और हम इस वक्त मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल साहब के साथ और एक खूबसूरत प्रोग्राम आप देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न। वेलकम बैक व्यूवर्स, हम इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं वी द लाइट टेलीविज़न में और ज़फ़र इकबाल साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कराची डायसिस के, जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के कराची डायसिस के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। सर, अभी हम बहुत सारी बातें कर रहे थे तो अभी हमने ये भी बात की कि आपने इतना लंबा टेन्योर जो गुजारा एज़ ए जनरल सेक्रेटरी, उसमें बिशप सादिक डैनियल साहब के साथ भी आपने काम किया। अच्छा, वो क्या हालात थे जिनकी केस जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपने इतना लंबा टाइम गुजारा, फिर उसके क्या इफ़ेक्ट्स थे, उसके असरात भी बताइए और उसकी ज़रूरियात भी बताइए कि वो सारी सिचुएशन क्या थी जिसमें आपने काम किया और कैसा काम किया। एक्चुअली ये स्टार्ट होता है जब बिशप सादिक साहब बिशप बने 2002 में, वो फरवरी 14 फरवरी 2002 में बिशप बने और मेरे ख्याल मई में उसी साल में हमारे उस वक्त के सेक्रेटरी वो कत्ल हो जाते हैं, जो उन जिनका नाम आइवन एडविन मून्स था, तिब्बत सेंटर में उनका ऑफिस था, अपने ऑफिस में उनको कोई कत्ल कर देता है। और फिर सितंबर 25 सितंबर 2002 में इदारा अमन साहब पे अटैक होता है और हमारे 7 लोग उसमें शहीद हो जाते हैं। मैं उस वक्त उस अदारे का डायरेक्टर था और वो जो मुकदमा भी उसमें कंप्लेंट भी मैं था, तो वो खासे मुश्किल टाइम था और उसमें आपको पता नहीं चलता था कि कब आपका भी नंबर आ जाए, क्योंकि दहशतगर्द टेररिस्ट अटैक था और हालात उस वक्त बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान में मुश्किल हालात थे, दहशतगर्दी टॉप पर थी, तो उन हालात में काम करना बहुत ही मुश्किल था और उसमें काफ़ी ज़िम्मेदारी के साथ मुश्किल हालात में मैंने काम किया। 3 साल तक मुझे याद है कि हम कोटों में रहे, पुलिस स्टेशंस में रहे, मुख्तलिफ एजेंसीज़ के पास जाता रहा और इन्वेस्टिगेशन के तौर पर, और इसको मैंने काफ़ी हद तक अपने लोगों पर बोझ नहीं डलने दिया। और फिर जो हमारी वो फैमिलियाँ थीं जो जिन्होंने सफ़र किया था, जिनके लोग चले गए थे, जो शहीद हो गए थे, उनको संभालना भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी और खुदामंद का शुक्र है कि हमने उनको संभाला। यकीनन पूरी तरह तो संभाल नहीं सकते थे, ना उनकी जान, जो जान गई थी उसका कोई इफ्स हम कुछ उनको दे सकते थे, लेकिन कोशिश की हमने 2-3-4 साल तक उनको लुक आफ्टर करने की। तो वो टाइम बहुत ही मुश्किल था, बहुत इवन ऐसा भी होता था कि कोर्ट में मैं बैठा हूँ, दहशतगर्द पकड़े गए और वो मुझे बता रहे होते थे कि जी आपके खुद आपस में बातें कर रहे होते कि जी अच्छा ये कंप्लेनेंट है, इसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, हम देखेंगे ये कैसे, मतलब कंप्लेनेंट आके मुकदमा लेके चलता है। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी थ्रेट क्या हो सकती है, तो वो हमने बर्दाश्त की, देखी,
लेकिन अपने लोगों को संभाला, अपने चर्च को संभाला, तो उसको देखते हुए मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। 2005 में मुझे सेक्रेटरी बनाया गया, ये मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। 3 साल मुश्किल गुजारे, बहुत मुश्किल। फिर 2005 में सेक्रेटरी बना, उसके बाद भी चर्च को इस तरह के मामलात का सामना रहा, कुछ मुकदमात रहे इस तरह से, जिसमें हमने पूरी तरह चर्च को सपोर्ट किया, बिशप को सपोर्ट किया, और शायद यही वजह है कि इतने लंबे अरसे के लिए मैं सेक्रेटरी था। सही। और अभी आपने ये भी बताया कि अदारा बराए अमन इंसाफ के भी डायरेक्टर रहे आप। सही। और जब आपने ये अपने लोगों की इस तरह से, जब 7 लोग आपके कत्ल हो गए और एक चर्च पर भी प्रेशर था, पूरी कलीसिया पे, ओवरऑल नॉट अबाउट चर्च ऑफ पाकिस्तान बट ओवरऑल द होल पाकिस्तान वाज, उसके सब लोग ही परेशान थे, तो वो जो सारे 7 लोग थे तो वो आके आपको अक्सर ब्लेम भी करते होंगे कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया या कैसे, मतलब मैंने जो एक तासुरात होते हैं ना कि आप हमारे लिए प्रोसीड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या हो रहा है, हमारी फैमिलीज़ को कैसे सपोर्ट करें, क्या वो फैमिलीज़ आपसे सेटिस्फाइड थी? देखिए, शुरू में तो बिल्कुल नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली इस तरह का प्रोपोगंडा किया गया कि शायद कोई बहुत सारे पैसे आए और वो पैसे आए और उसको कोई लोग हड़प कर जाना चाहते थे, और जिसकी वजह से ये सारे लोग विटनेस थे और इनको शायद चर्च ने ही मरवा दिया है। शुरू में ये तासुर दिया गया और इवन पुलिस की तरफ से भी ये तासुर आता रहा अखबारात में, मीडिया में, कि इनका इंटरनल कोई झगड़ा है। लेकिन फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब इंटरनल झगड़े की बात हो और फैमिलीज जिन्होंने अपने प्यारे खोए हैं वो कितने गम में होंगे, गुस्से में होंगे, और उनका गम और गुस्सा हमने बर्दाश्त किया। हम उनकी बातें सुनते रहे, उनकी डांट सुनते रहे। हमारे एक मरहूम फादर पीटर जॉन साहब थे, हम एक बहन थी जो जिनकी नई नई शादी हुई थी, वो उनको जूता लेके मारने के लिए पहुंच गई थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और मैं सलाम पेश करता हूँ फादर पीटर साहब। उन्होंने सर नीचे किया कि ठीक है, आप मेरी बेटी हो, आपका आपने शोर खोया है, हम भागेंगे नहीं, हम किसी जिम्मेदारी से हम आपके साथ हैं। तो बहुत मुश्किल टाइम था शुरू में, लेकिन जब ये दहशतगर्द पकड़े गए तब फैमिलीज़ को रियलाइज़ हुआ कि चर्च इसका कसूरवार नहीं है। ये लोग जो है सालों से, कोई 20-20 साल से, 15-15 साल से जॉब कर रहे थे, तो चर्च उनको फीड कर रहा था और अच्छी सैलरीज दे रहा था, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहता चर्च अपने लोगों को मारने के लिए। तो फिर जब दहशतगर्द पकड़े गए फिर ये लोग हमारे साथ खड़े हुए और हमें सपोर्ट किया और सेटिस्फाइड। तो फिर एक जाके टोकन ऑफ लव या टोकन ऑफ रिस्पेक्ट आपको रिसीव होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जफर साहब, ये बताइए कि आप, अभी आपने बताया कि ज़्यादातर चीज़ें तो आपके पास यानी जनरल सेक्रेटरी के पास होती हैं अनटिल अनलेस बिशप साहब उसको आपको अलाउ करें और सही से काम करने दें। तो फिर मेरा ये सवाल है कि अभी चर्च ऑफ पाकिस्तान जो कराची डायसिस के पास है वो कितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है और हम क्या होप रखते हैं कि वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे? पहले तो मैं बताऊँ कि डायसेंस सेक्रेटरी की जो बात है, डायसेंस सेक्रेटरी जो है वो एक नो डाउट के एक वॉलेंटियर पोस्ट होती है, लेकिन उसके पास जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहुत पावर देता है। नो डाउट विद द कंसल्टेशन ऑफ द बिशप मूव करना होता है हर जगह पर, लेकिन डायसेंस सेक्रेटरी के पास जो कानूनी पावर होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी देती है, उसके मुताबिक बहुत पावर होती है मूव करने के लिए। हम किसी प्रोजेक्ट पे भी, किसी काम में, एजुकेशन का हो, सोशल वेलफेयर का हो, उसमें मूव कर सकते हैं। आप फरमा रही हैं कि कितने प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास एजुकेशन के प्रोजेक्ट हैं, ट्रिनिटी जो हाई स्कूल है बच्चियों के लिए, फिर कॉलेज है और यूनिवर्सिटी भी हम उसको बढ़ाने का प्लान रखते हैं कि एक टाइम आए ताकि बच्चियाँ क्लास 1 या नर्सरी में दाखिल होती हैं और मास्टर्स करके यहाँ से निकलें। ठीक है। और फिर हमारे पास सेंट ट्रीज़ा एक स्कूल है क्वेटा में, एक सेंट मेरी स्कूल है क्वेटा में, मैथोडिस्ट स्कूल है डिग रोड में जो काफ़ी पुराना स्कूल है हमारा, फिर ब्रेंटन कैरी एक स्कूल है हमारे पास, खुदा का शुक्र है वो भी काफ़ी बेहतर तरक्की कर रहा है। इसी तरह सोशल वेलफेयर के ब्रेंटन कैरी के बारे में प्लीज बताते चले जाइए क्योंकि मुझे भी व्यूअर्स आज ही पता चला था, तो मैं चाहूंगी कि ब्रेंटन कैरी में हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बच्चियां
जो ब्रोकन फैमिलीज जो होती हैं, खुदा न खास्ता वालिद और वालिद के दरमियान कोई तलाक हो जाती है या किसी एक की डेथ हो जाती है और बच्चियां घर पे नहीं रह सकती, ख़ुद से नहीं पढ़ सकती, तो ये हमने हॉस्टल है बच्चियों के लिए, पीसफुल जगह है बच्चियों के लिए, बहुत ही महफूज जगह है, यहाँ वो रहते हैं, फिर जब क्रिसमस होता है या समर वेकेशन होती है तब वो घर जाती हैं, मैट्रिक तक बच्चे यहाँ पढ़ सकती हैं, बच्चियाँ पढ़ सकती हैं, और हम कोशिश करें कि कॉलेज की बच्चियाँ इंटर तक, ग्रेजुएशन तक भी ऐसी फैसिलिटी हो। और ये प्रोजेक्ट की ख़ास बात ये है, ये ओपन है, इट्स ओपन फॉर ऑल, मतलब कोई ये नहीं का चक्कर नहीं, बिल्कुल नहीं है, मतलब कोई भी क्रिश्चियन होना चाहिए, चाहे वो पेंथिकॉस्टल है, कैथलिक है, चर्च ऑफ पाकिस्तान से है, आएँ, अपने पादी साहब का लेटर, अपने फादर जी का लेटर लेके आएँ, हम उनको दाखिला देते हैं। अब और इस पर जो कॉस्ट उठती है एक बच्ची पर मंथ, वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये होती है, तीनों टाइम का खाना होता है और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो अब अमूमन हमारे जो बच्चियाँ आती हैं वो इतने अमीर बैकग्राउंड से तो नहीं होती, तो वो फिर हम उनको देखते हैं कि आप क्या पे कर सकते हैं। कई बच्चियाँ जो 1000 देती हैं, कुछ बच्चियाँ 2000 देती हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन हमें फ़ीस की वजह से हम बच्चों को रिफ्यूज़ नहीं करते, हम लेते हैं, कोशिश करते हैं कि आप जो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फीस दें, ज़्यादा से ज़्यादा दें, लेकिन नहीं दे सकते तो हम उनको वापस नहीं भेजते, हम फिर उनके लिए फ़ंड अरेंज करते हैं, चर्च अरेंज करता है, और अभी भी काफ़ी महीनों से हम उनके बिजली के मामला, तो बिल नहीं पे कर पा रहे, कोविड की वजह से खासी मुश्किल है, तो चर्च देखता है उनको, देख रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास जो हैं इब्तदा है, ड्रग रिहेबिलिटेशन का बहुत ही यूनिक इदारा है, इसकी ख़ास बात यह है कि हम कोई मेडिसिन दे के उनकी जो नशा उसको नहीं छुड़वा रहे, हम काउंसलिंग गाइडेंस के साथ उनका नशा छुड़वाते हैं और ग्रेजुअली छुड़वाते हैं, और इसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन किसी तरह के भी जो लोग हैं नशे में मुबतला हैं वो इसमें आते हैं, रहते हैं, 3 महीने का इब्तदाई कोर्स होता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक्सटेंड करके उसको 6 महीने पे ले जाते हैं, नहीं तो इब्तदाई 3 महीनों में उनका इलाज करके उनको भेज देते हैं। फिर हमारे पास जो हॉस्पिटल है क्वेटा में, ये एक पुराना हॉस्पिटल है, अंग्रेज़ के टाइम से है, चला आ रहा है, एक बड़ा अच्छा मुनफरद काम कर रहा है, और ये पहला क्रिश्चियन हॉस्पिटल है मेरे ख्याल में, पहला क्रिश्चियन हॉस्पिटल जो मेल नर्सिंग की ट्रेनिंग करवाते थे, अब तो खैर गली गली में मेल नर्सिंग के स्कूल खुल बन गए, लेकिन मेरे ख्याल में हम पहले लोग हैं जो मेल नर्स की ट्रेनिंग करवाते थे, आज भी हो रही है और बहुत ही कम पैसों पर, मतलब। और मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी बातों से सुनकर कि एक तो आपने मेल नर्सिंग की ट्रेनिंग के बारे में कहा, फिर आपने कहा कि ऑटिज़म के बारे में भी सबसे पहले आप लोग थे जिन्होंने कराची में काम शुरू किया, और क्योंकि बी द लाइट टेलीविज़न ने इब्तदा के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है और ऑटिज़म के बारे में भी वीवर्स को मालूमात दी है, तो वीवर्स जानते होंगे, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मसीही लोग हैं, हमारे यही लीडर्स हैं जो कि आपके लिए और कौम की भलाई के लिए न सिर्फ अपनी कौम के लिए काम करते हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, जिसमें हर कोई भी मज़हब उससे ताल्लुक़ है, लेकिन हमारी एक शनाख्त है कि मसीहियों ने ये सारे काम शुरू किए हैं और इनका आगाज़ किया है, ये हमारे लिए एक बाय से बरकत बात है। अच्छा ये बताइए जफ़र साहब कि शेल्टर होम की ज़रूरत पर अभी इस वक्त आपने भी जोर दिया, हम ऑफ द रिकॉर्ड जब बात कर रहे थे तो हम लोग ये बात कर रहे थे तो आपने कहा कि हम सोच सकते हैं इस पे लेकिन हम वादा नहीं कर सकते, ऑब्वियसली रिसोर्सेज की बात है, फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि नेक्स्ट लीडरशिप आपके लिए कैसे सोचती है या इस प्लान को कैसे देखती है, तो हम चाहेंगे कि बी द लाइट टेलीविज़न की तरफ से हम ये बात करके जाएं कि अगर आपको रिसोर्सेज मिले और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हुई तो ज़रूर शेल्टर होम के बारे में भी सोचिए जैसे कि आप डिस्कस कर रहे थे, और इसकी ज़रूरत पर भी देखिएगा। मुझे ये आपसे एक और सवाल पूछना है माइनॉरिटी राइट्स के लिए, जो चर्च ऑफ पाकिस्तान है या आप हैं या आपकी पर्सनालिटी को ले लें, जस्ट इंडिविजुअल पर्सनल जफ़र इकबाल साहब को ले लें, वो क्या उनका नज़रिया है कि माइनॉरिटी राइट्स के लिए आप कितनी आवाज़ उठा सकते हैं, क्या आपके लिमिटेशंस हैं और आप कहां तक साथ लेंगे अपनी कौम का? जरूर,
पहले मैं इसमें तो एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, कुछ ऑटिज़म पे आपने बात की, हम उस पे काम कर रहे हैं पिछले 22 से 24 साल पहले से, जब शायद हमारे यहाँ पर लोग इस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ नहीं थे कि ऑटिस्टिक बच्चे क्या होते हैं। और मुझे ये ऑनर भी जाता है कि शायद कराची में पहली दफ़ा ऑटिज़म पे रिसर्च, जो मैंने एमफिल की रिसर्च थी, वो पहला शख्स था मैं कराची यूनिवर्सिटी का जिन्होंने ऑटिज़म पे रिसर्च की थी। Great. तो फिर अब काफ़ी काम हो रहा है इस पर, बहुत सारे और सेंटर भी हैं जी हाँ। और लाहौर में काम काफ़ी हो रहा है, अच्छा इस्लामाबाद में एक सेंटर है, क्योंकि ये बच्चे बड़ी बुरी तरह से सफ़र करते हैं जब इनको मेंटली हैंडीकैप ट्रीट किया जाता है। ये ऑटिस्टिक जो होते हैं, ये एक सिंड्रोम होता है जो कैप्चर करता है दिमाग को, और इस सिंड्रोम के होते हुए भी आप नॉर्मल हो सकते हैं। ये गिफ्टेड होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं लेकिन बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हो सकते हैं। कई जगहों पे ऑटिस्टिक लड़की और लड़के की शादियां भी हुई हैं और जो कामयाब हैं। तो ये सिर्फ मैं ऐड करना चाहता था। ग्रेट। अब शेल्टर होम की जो आप बात कह रही थी, शेल्टर होम इस वक्त बहुत ही अहम जिम्मेदारी है, जो ज़रूरत है हमारे पास कराची में। लाहौर में हमारे पास शेल्टर होम है, बिशप आज़ाद मार्शल साहब ने एक अच्छा शेल्टर होम बनाया हुआ है, जो बेसहारा जो ख़वातीन हैं जिनके पास कोई रहने की जगह नहीं है, उनके लिए वो शेल्टर होम है। यहाँ पर जिस तरह से हमारे मसाइल हैं ख़वातीन को, स्पेशली माइनॉरिटीज़ वाली ख़वातीन को, और उससे भी ख़ास चले जाएँ तो क्रिश्चन जो हमारी बच्चियाँ हैं और ख़वातीन हैं उनको है, उनके पास रिहाइश नहीं है, उनके पास रहने की जगह नहीं है, उनको हिफाजत नहीं है उनके पास। अभी आप जो ये आरजू राजा वाला केस था उसमें देखें कि हमें पनाह में भेजना पड़ता है, दूसरी जगहों पे भेजना पड़ता है। हाँ, नो डाउट वो भी अदारे भी अच्छे हैं, लेकिन अगर हमारा अपना इदारा हो तो हम बेहतर तरबियत कर सकते हैं अपने उन बच्चियों की, शुभात से भी बालातर होके हम एग्जैक्टली जो हमें फिर होता है कि शायद हमारी बच्चियों को गलत फीड किया जा रहा है, तो उससे भी बालातर हो जाए, बिल्कुल होना चाहिए। बल्कि हम आपके इस सवाल के बाद से इसको ज़्यादा फोकस करेंगे कि हमें अपना शेल्टर होम कराची में बनना चाहिए इन बेसहारा अपनी बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए। चर्च लेवल पर भी अपने दोस्तों को मैं इख्तियार करूँगा, और अगर ज़ाती तौर पर कोई एक ग्रुप जो प्राइवेटली भी अगर बना सका तो मैं उसके लिए भी अपने जो ऐसे दोस्त हैं जो बिजनेस मैन हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ थोड़ा थोड़ा डोनेशन करके एक ऐसा शेल्टर होम हो जिस पर मे बी जो अम्ब्रेला हो चर्च का हो सकता है कैथलिक चर्च का हो या चर्च ऑफ पाकिस्तान का हो, लेकिन बहरहाल अगर फंड की कमी की वजह है तो फंड इकट्ठा किया जा सकता है। दैट्स ग्रेट। और ये सारी जो इनकरेजमेंट है, मोटिवेशन जो आती है, वो सारी आप लोगों के, सब लोगों के मिलकर एक दूसरे मोटिवेट करने से ही ये काम हो सकता है। जफर साहब, एक ये बात बताइए, मुद्दत हुई हमें ये सुनते हुए कि जो लीडरशिप आती है और फिर वो बदल जाती है, ओहदों पर आकर अपने वादों से मुकर जाते हैं लोग। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, ये तो आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और सदर के बारे में बात सोच रहे हैं, या वो चर्च लीडरशिप हो, स्पिरिचुअल हो, जो भी हो, तो ये ऐसा क्या होता है? हम अगर चर्च की लीडरशिप के ऊपर आ जाएं, तो चाहे छोटे लेवल से हो, चाहे बड़े लेवल पे हो, चाहे बिशप साहब के लेवल से, छोटा डीकन जो भी, ऐसी क्या टेम्पटेशंस हैं, ऐसी क्या हर्डल्स हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा वहाँ क्या जादू मंत्र है जो लोगों की जो जज्बात हैं उनको मजरूह कर देता है, उनको उनके गोल्स से हटा देता है, जो वो वादा करके आते हैं वो वादा पूरा नहीं करते और बदल जाते हैं? ये बेवफाई का आंसर कुर्सी पर बैठते ही क्यों शुरू हो जाता है? मेरा ख्याल है कि इस तरह इसको बड़े तनाजर में हमें सोचना चाहिए, फिर चर्च की तरफ भी आते हैं कि देखिए, जो बाहर बैठ के हम वादा कर सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं, शायद इलेक्शन कैंपेन की वजह से या शायद लोगों के दिल जीतने की वजह से, लेकिन रियलिटी से हम वाकिफ़ नहीं होते। अब मौजूदा जो सबका गवर्नमेंट अभी गुजरी है इमरान खान साहब की, तो वो ये वादा करती थी कि मैंने पूरी टीम 200 लोगों की तैयार की हुई है, हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वैसा नज़र नहीं आया, चूँकि रियलिटी से वाकिफ़ नहीं थे। हुकूमतें कैसे चलती हैं उन रियलिटीज़ को समझना चाहिए। इसी तरह मैं चर्च की तरफ आता हूँ,
चर्च, हमारा चर्च जो है चर्च ऑफ पाकिस्तान, इसमें इलेक्शन होते हैं, बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीका कार अपनाया जाता है, उसमें कंपेन भी होती है, लोगों के पास भी जाते हैं, वोट की बात भी करते हैं। अब जब वोट की बात करते हैं तो फिर हम बहुत अच्छे खुशनुमा वादे भी करते हैं कि हम जब इक्तदार में आएंगे तो हम ये बेहतर करेंगे, ये बेहतर करेंगे। फिर साल छः महीने के बाद जब, या दो साल के बाद, वो रियलिटी को समझते हैं कि हमें मुश्किल हो रहा है, उस वक्त तक देर हो चुकी होती है। जो आपके लोग होते हैं, जिनके साथ आपने वादे किए होते हैं, जिनको आपने यकीन दिलाया होता है कि हम इतनी जॉब क्रिएट करेंगे, हम अपनी यूथ के लिए ये चीज़ें करेंगे, या हम अपनी बच्चियों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ रखेंगे, बाहर पढ़ने की स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन चूंकि आई मीन प्रैक्टिकली और फिज़िकली आपने जब जाके देखा, बैठे, तो आपको पता चला कि मे बी फाइनेंस का भी इशू हो सकता है, मे बी हमें एक मैकेनिज्म पूरा बनाने की ज़रूरत है जो पहले नहीं बना हुआ, उसमें टाइम लग जाता है। मैं समझता हूँ कि सारे लोग नहीं बदलते, कुछ लोग काम करना चाहते हैं और मिलके काम करना चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, अच्छी कौम की बेहतर डेवलप हो। मैं आज जो इस वक्त भी जो हमारा चर्च का सेटअप है, अपने चर्च के सेटअप की बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे पादरी साहबान हैं, बहुत सारे लेमैन दोस्त हैं जो चर्च की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, मिलके करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आने वाली नस्ल जो हमारी हो वो तरक्की याफ्ता हो, पढ़ी लिखी हो, बाशऊर हो, और अपनी कौम को एक सही मंजिल की तरफ लेके जा सके। आमीन। व्यूअर्स, आज हमें बहुत सारी बातें ज़फ़र इकबाल साहब से सीखने को मिली, जानने को मिली, और उम्मीद है आपको भी बहुत सारी बातें सुनकर अच्छी लगी होंगी। और सर, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत सारी बातें आपने ऑलरेडी कर दी, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपनी कौम को जाते जाते एक खूबसूरत पैगाम दीजिए। सुना है कि किसी के कहने से कोई बात किसी पर असर करती है, तो शायद हमारी जो कौम है वो आपकी कोई अच्छी बात जो है उस पर अमल करे। प्लीज़ अपना मैसेज रिकॉर्ड। थैंक यू। मैं फोकस करना चाहता हूँ अपने यंगस्टर्स को, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, आए हम मिलकर बेहतर तालीम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें, आए हम बेहतर तौर पर अपने बच्चों को, बच्चियों को स्किल्ड करें, आए हम मिलकर बेहतर तौर पर अपना कंट्रीब्यूशन चर्च में डालें, चर्च को मजबूत करें, अपने पादरी साहबान को मजबूत करें, अपने चर्च का जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करें, ताकि बेहतर चर्च होगा, मजबूत चर्च होगा, कानून के मुताबिक चर्च होगा, वो हमारी आने वाली नस्ल, हमारे बच्चों, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बी द लाइट टेलीविज़न का, उनके व्यूवर्स का, एंकर पर्सन साहिबा का, कि उन्होंने बहुत टाइम दिया और बहुत सारी बातचीत हमने की, और मैं तो करता हूँ कि हमारा रिलेशन इसी तरह आगे भी चलता रहेगा, अपनी लोगों की तरक्की के लिए, अपने मसीहों की तरक्की के लिए, अपने लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। और बी द लाइट टेलीविज़न हमेशा अपनी कौम के सितारों को प्रमोट करता है, यंगस्टर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए आवाज़ उठाता है। और आप हमारा आज आपसे मिलना भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जो इस तरह की भी सपोर्ट होगी एज चर्च डायसन सेक्रेटरी, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, प्रोग्राम को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.